तो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, वगैरह मेरी मिशू। तो आज का वीडियो इसलिए अलग है क्योंकि आज मैं आपको जो मैं प्रोसीजर करवाने जा रही हूँ उसके बारे में बता रही हूँ, जिसका नाम है तूतसी। ये दांतों का प्रोसीजर है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर आपके दांत टूटे हुए हैं आगे पीछे हैं, या आपके दांतों के बीच में गैप है, तो वो उसके लिए ये प्रोसीजर करवाया जाता है। जैसा कि आपको पता है मेरे बीच के दांत में थोड़ा गैप है जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ट्रीटमेंट ले लूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, देन मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इसके लिए जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको खुद एक कॉल आ जाएगा जिसमें वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, जो मुंबई से आता है, जो उनका हेडक्वार्टर है। उसके बाद वो आपको सारी कुछ चीज़ें बताते हैं, देन आपको एक स्कैन करवाना होता है जो आपके घर में होता है और वो बिल्कुल फ्री होता है। तो ये जो स्कैन मेरा हो रहा है, ये मेरे को डिलीवरी किट मिलने से बहुत पहले का स्कैन है। तो ये घर पे आते हैं और पूरा हमारा फ़ोटो, दांत का फ़ोटो लेके जाते हैं, देन ये 3D स्कैन करते हैं। ये सारा सामान खुद ही लेके आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मेरा 3D स्कैन हो रहा है पूरे दांतों का, अपर और लोअर। ये पूरा चेक करेंगे और सामने इनका लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें मेरे दांतों का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा और वो मुझे दिखा देंगे कि मेरे दांतों में कहाँ कहाँ पे गैप है और आगे पीछे टेढ़े मेढ़े अगर हैं तो। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा लोअर के दांतों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इन्हें 3D स्कैन से निकाला हुआ है, तो ये मुझे दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मुझे और चीज़ें भी बताते जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी करके। तो आप देख सकते हो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है और ये कॉस्ट नहीं लगता इसका। ये पहला जो स्कैन होता है घर पे, ये टोटली फ्री होता है, तो ये एक अच्छी बात है हर किसी के लिए। और अब ये मेरा अपर साइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मेरे उनने बना के दिखा दिया। वो एक 3D स्कैन है जिसमें वो उसी टाइम आपके दांतों का पूरा स्ट्रक्चर लेके आपको दिखा देते हैं, आपके दांत अभी कैसे हैं और आपका प्रोसीजर कैसे होंगे। तो ये स्कैन आपके दांतों के अकॉर्डिंग, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका चार्ज आपको लगता है। इसका पेमेंट मैंने कितना दिया वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं इस किट को ओपन करने जा रही हूँ और ये किट मुझे अभी डिलीवर हुआ है सुबह। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें मेरे कितने अलाइनर्स आए, कितने रिटेनर्स हैं। अलाइनर्स वो हैं जो मैं अभी लगाऊंगी, जो बिल्कुल ही पता नहीं लगता है लगाने के बाद कि आपने लगाए या नहीं लगाए। डॉक्टर से मेरी वीडियो कॉल में बात भी हुई तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि मुझे अलाइनर्स कब उतारने हैं, कितने टाइम लगाने हैं। तो मुझे 20 से 22 घंटा इसको लगा के रखना है, सिर्फ खाते टाइम, ब्रश करते टाइम, चाय और कॉफ़ी पीते टाइम ही निकालने हैं। तो आज मैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ कि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है और इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस इसमें होता जाएगा मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगी। मेरा ये ट्रीटमेंट 8 महीने का है, इसमें मेरे को 16 अलाइनर्स मिले हुए हैं। हर महीने के 2 अलाइनर्स होते हैं जो 15-15 दिन में हमें चेंज करने होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने भी ओपन अभी तक नहीं किया, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है और बाकी फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ। तो सिर्फ तेरे अलाइनर आएंगे, रिटेनर थोड़ी है? नहीं, दोनों चीज़ें इसी में होती है। देख ले। देख क्या ले, होती है, मैंने बात हुई है मेरी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है तूतसी का किट, यही था मेरा नाम। और अब इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वैसे देखिए आप देख सकते हैं मेरे प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है, इसमें इस किट में क्या क्या आप देख सकते हो। तूतसी अलाइनर हैं, अपर के मेरे को 15 मिले हैं, लोअर के 12, रिटेनर्स मिले हैं मेरे को अपर का 1 और लोअर का 1, टैम्पलेट मिला है, वेलकम बुकलेट मिला है, स्माइल क्रैकर मिला है, च्यूइंग मिला है, रिटीवर, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं देख लेंगे। तो ये सबसे पहले एक ऐसी किट मिली है जिसमें मैं अलाइनर्स जब जब अपने ओपन करूँगी तो इसमें रखने हैं मुझे, ताकि किसी और जगह पर ना रखूँ। तो ये किट उसी के लिए है। देन ये शायद वेलकम बुक है, लेट्स ओपन।
इसमें हटा दे चीज़ें लिखी हैं मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे इसका करना है, क्या नहीं करना है। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये टूटसी अलाइनर्स, कंफर्टेबल, इनविजिबल, हाई क्वालिटी, लोकली मेड, ये सारा कुछ इसमें दिया है, बाद में पढ़ेंगे। देन एक ये है, ये है आपका अलाइनर्स को अगर जो हम जब रिमूव करेंगे, कई बार क्या होता है टाइट हो जाता है, रिमूव नहीं होता है, तो उसके लिए है। ये है ये चुई किट है। ये क्या करना है, जब आप अलाइनर लगाओगे कई बार ऊपर फिट नहीं होते हैं, तो इसको चबाओगे तो मतलब दोनों दांतों के बीच में रख के दबाना है अलाइनर्स को, तो ये अपने आप फिट हो जाएंगे। देन एक ये मिला है, ये माउथ में लगाना होता है, ग्रीनी बोलते हैं इसको, जो फेस ये टीथ पे लगाते हैं हम लोग। देन आगे देखते हैं, ये रहा मेरा बिल, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये रहे मेरे दांतों का पूरा सेट, आप देख सकते हो इन्होंने पूरा बना के भेजा हुआ है कि कितना कितना mm बढ़ता वो कम होता जाएगा, तो आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हो। लेयर वन और लेयर टू दो सेट में बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये है मेरी किट। तो ये चार चार करके दी हुई हैं इसमें, दिखा ये रही मेरी किट, तो आप देख सकते हो इसमें नंबर दिए होंगे, देखिए 8, 7, 6, 5। तो हम वन से स्टार्ट करेंगे इसको, 1, 1, 1 ये रहे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी किट, 1 करनी है 15 डेज़ तक। देन 15 डेज़ बाद मेरे को इसको चेंज करके 2 में आना है, फिर 3 में आना है, 4 में आना है, ऐसे करते करते पूरे 16 मेरे को कंप्लीट करने हैं 8 महीने में। ये लोअर की हैं आप देख सकते हो, इसमें 2 होंगी इसके अंदर, एक अपर एक लोअर, अपर लोअर। तो सबसे पहले वाली रिमूव करके देखते हैं जो मुझे यूज़ करनी है। हाँ, तो इसमें 2 करती हुई हैं, ये देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हो, प्रीति, ताकि कभी भी कोई गलत चीज़ किसी पे ना जाए। अपर 1 लिखा हुआ है, लोअर 1 पूरा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो, लोअर 1। और ये देखिए यहाँ पे प्रीति लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है गलत चीज़ें गलत उसमें चले जाती है, तो इसका ये लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसमें भी देखिए आप, अपर 1 लिखा हुआ है, देन यहाँ पर प्रीति लिखा हुआ है। तो आज मैं अपनी ये पहली किट यूज़ करने जा रही हूँ। वैसे तो अभी मेरी डॉक्टर से भी वीडियो कॉल होगी, उन्होंने बोला था, और ऑलरेडी इसमें वीडियो आ जाता है आपके टूटसी ऐप में, जब आपको ये किट डिलीवर होता है तो उसमें दिखा देते हैं आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो लेट्स सी। और ये जो बॉक्स है ना, इसी के लिए दिया हुआ है, जब भी आप इसको रिमूव करेंगे आपको इसमें रखना है इस तरह से, ताकि ये गंदा ना हो। तो चलिए आज से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। हर महीने मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी कि एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और इसके काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, इसके बारे में बहुत पढ़ा भी है। तो आई होप कि अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसका पूरा खर्चा कितना आया है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।